हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो सफाई में लग गई हूँ, तो जो बच्चों को ना मैं इसलिए लगा रखी हूँ क्योंकि जो इनकी बुकें हो ना, कॉपी किताबें, वो सब मिक्स में कर रखे हैं। जैसे पुरानी वाली है, कोई स्कूल में नहीं लेके जाते, वो भी एक जगह रख रखे हैं और सारी ऐसे मिक्स हो रही है बहुत सारी। तो उनको सबको मैं अलग करूँगी और जो काम में लेने की वो एक जगह रख दूँगी। तो और चारों तरफ बढ़िया डीप क्लीनिंग बढ़िया हो जाएगी, साफ़ सफाई। तो ये जो किताबें हैं ना, वो एक जगह रखी थी इनकी ताकि मिल जाए। और ये बेड के पास में ग्रीन जो सीट आती है वो यहाँ बिछा दी में, जो बहुत अच्छी लगती है। देखिए, मैं एकदम साफ सफाई करी थी और वापस कॉपी किताबें बैग सब रख देते हैं। और यहाँ पे मैं मेरे सिलाई के सामान रखी हूँ सारे, और ये इनके धोने के कपड़े हैं अभी स्कूल के। और इधर इनकी बुक्स वगैरह रख दी मैं। ये देखिए, ये पुरानी बुक्स हैं, ये कॉपियाँ जो भी काम में नहीं आती वो एक साइड रख दी मैं इस तरीके पॉलीथिन में रख के। और ये जो डायरी है वो अलग रख दी, कॉपियाँ अलग रख दी, बड़ी जो बुक होती है वो अलग रख दी। अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में देखिए, जो मैं पेड लेके आई थी वो काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, एरी के बाम वाला। तो ये मैं पोट लेने गई थी, पेड़ पौधे भी देख रही थी, लेकिन ये सारे जले हुए ऐसे दिख रहे थे, तो मेरे को पसंद नहीं आया कोई भी। तो उसके लिए मैं पोट लेके आई। फिर उसके बाद में पेट्रोल डलवाई गाड़ी में, रास्ते में ही था। तो और ये वाला मैं पोट लेके आई हूँ, देख सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसके दो तरफ उसने खुद ने ही नीचे छेद करके दे देते हैं, गरम पेच कस करके। सारे मैंने कपड़े धोए थे, तो सारे सूख चुके हैं। इसमें देखिए नारियल डाली हूँ मैं, थोड़ी सी राख डालूंगी चूल्हे की, कपड़े कपड़े उतार के स्टार्ट। और इस पॉट में देखिए, मैं डाल के लेके आ गई, छत पे कपड़े भी ले आई थी। और इसमें थोड़ी सी जो चूल्हे की राख होती है वो डाली हूँ, और जो नारियल के छिलके होते हैं ना वो डाली हूँ। वो हल्के होते हैं, खाद के जैसे काम करता है। थोड़े से मैं इसमें मिट्टी डालूंगी, बाद में डालूंगी वो। और ये थोड़ा देखिए ऊपर ज़्यादा हो रहा था, तो मैं नारियल के छिलके कम करी हूँ, क्योंकि इससे है ना जो इसको काफ़ी अच्छी सी खाद मिल जाएगी। और ये पेड़ मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये जलता नहीं है जल्दी से, काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है और काफ़ी हरा भरा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखते ही। और ये जो जगह है खाली साइडों में, उसके अंदर मिट्टी डाल दूंगी मैं। और नीचे जब जड़े जाएगी ना, तो नीचे हल्का रहेगा, तो नीचे मिट्टी नहीं डाली मैं, तो ये सही रहेगा, जलेगा नहीं, इससे खाद का काम करेगा। और ऊपर थोड़ा सा मैं जो खाद होता है गोबर वाला, वो मैं फोड़ के ऊपर डाल दूंगी, ताकि पानी डालेंगे ना तो वो सही रहेगा फिर। तो ये देखिए, छोटा सी प्लांट में इसमें भी लगाई हूँ और इसके अंदर पानी डाल दूंगी। और ये वाला कपड़ा लेके आई थी मैं प्लाजो बनाने के लिए, तो ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन और प्रिंटेड है ये। उसके बाद में देखिए, मैं दोपहर में रायता बनाई, तो हरी मिर्ची चूल्हे में सेक के लाई थी मैं। तो ये है ना जो सुबह का है, दूसरे दिन का वीडियो। तो दही के अंदर उबला हुआ मैं भतवा डाली हूँ, और बथुए को दही के अंदर डाल के फेंट लूँगी अच्छे से। और नमक मिर्च, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और हरी मिर्च जो सिकी हुई है उसको बारीक बारीक कट करूँगी, कच्ची नहीं डालती हूँ, तो सिकी हुई अच्छी लगती है। और इसके थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी राई का मैं, या वैसे भी रख लूँगी। तो बथुए का जो रायता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे रायता भी बनके तैयार है, बहुत टेस्टी सी, ये देख सकते हो बथुए का रायता। इधर है मेथी, तो मेथी को मैंने अच्छे से धो के और कट कर ली। इधर चावल भी गोई थी टुकड़ी वाले, तो इधर मसाला बन रहा है, टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, काफ़ी सारे खड़े मसाले डाल के, काफ़ी सारा लहसुन। और इधर मेथी को डाल दूंगी मसाले के अंदर, तो ये अच्छे से क्या भुन जाती है ना, फिर कड़वापन नहीं आता इसमें। उधर चावल में सीटी आएगी, जब तक मैं सैलेड कट कर लेती हूँ, गाजर और मूली।
सर्दियों में गाजर और मूली की सलाद बहुत ही अच्छी लगती है। कच्ची कच्ची मूली है और गाजर है, तो सैलेड बच्चों को भी पसंद आती है, तो मैं कट करके रख दूंगी। और इसके साथ ना आज मैं प्याज, जो ग्रीन वाले प्याज है ना, वो पत्ती वाले प्याज, वो मैं कट करूंगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं ऊपर से जब डाल के खाते हैं चावल में। और इधर चावल भी बन गए, जब तक एक सीटी लगानी होती है चावल में, तो एक सीटी लग गई थी ठंडे होने के बाद। मैं इसको मैं खोल के और ठंडा करूंगी थोड़े से, ये देख सकते हो बन के तैयार है। ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। और सर्दियों में ना जो चावल, मेथी के चावल हुए, मटर आलू के चावल, पुलाव बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं रायते के साथ। तो ये देखिए चावल भी बन के तैयार हो गए, तो मैं बच्चों को डाल रही हूँ अभी खाना। और चावल है ना जो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ऊपर से देसी घी डाल दो और थोड़े सी जो प्याज, ग्रीन प्याज, वो डाल दूंगी मैं, वो भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं तो वो खा लेते हैं, तो मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। और सर्दियों में आप भी इस तरीके से मेथी के चावल बनाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है। सिंपल चावल से अच्छा है मेथी डाल के बनाते हैं ना, अभी मेथी भी आती है तो अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और खाइए, और आप भी बताना वीडियो कैसा लगा आपको। सभी को जय माता दी, फिर मिलते हैं।